But this is a beautifully intense love story, and I'm glad that, you know, I'm part of this film because it's special for me in many, many ways. One, I've always wanted to work with Mahesh Bhatt saab, but he gave up direction before I became an actor. So on this film, I've got, you know, I've had the chance to work with him because he's written the film. And and again, I shouldn't be saying this in front of Mohit, but genuinely I do think that Mohit has, through all his films, that ability to touch you, to stir you, to move you, and that's what this film, this love story requires. So, and of course I'm pairing up with Imran Hashmi again. मेरा ये film actor बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, ये कहानी अधूरी रह जाएगी, because मेरी पहली film, मलयालम film, बीच में रुक गई थी, और बहुत सालों तक उसके बाद मुझे कोई film नहीं मिली, या तब लगा कि ये मेरी अधूरी कहानी होगी, पर thankfully, I'm sitting here in front. But कहीं ना कहीं ये एक कहानी ऐसी हो सकती है जो आपकी आसपास किसी ने आपको सुनाई होगी. कहीं ना कहीं आशिकी एक स्टार की कहानी थी, पर ये कहानी आपके आपकी खुद की हो सकती है, आपके मदर की हो सकती है, आपके फादर की, it can be someone that you know, your sister, brother. इसमें जो, क्योंकि इसकी जो सोर्स है जो भट्ट साहब ने कहीं ना कहीं लिखी है, वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की जिंदगी से, अपने पेरेंट्स की लाइफ से, इमरान की पेरेंट्स की लाइफ से, कहीं ना कहीं उन्होंने उधर से ही ड्रॉ करके ही इज़ मेड रेफरेंसेज ऑफ अ फिल्म लाइक दिस. और मैंने अक्सर ये देखा है कि जितना आप पर्सनलाइज करो कहानी को, वो उतनी यूनिवर्सल होती है. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग मैंने देखा है कि अक्सर जब कहानी ऑटोबायोग्राफिकल या खुद होती है, ज़्यादा लोगों को छूती है. आई डोंट नो हाउ. आई थिंक म्यूजिक हैज़ बीन प्लेइंग अ वाइटल रोल नॉट जस्ट इन माई करियर, इन लॉट ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, टू ड्राइव अ सेंट्रल इमोशन, बिकॉज हिंदी फिल्म्स आर ऑल अबाउट that unique melody that kind of runs through the film, that becomes almost like a spine for the film and what it has to offer.